आज मम्मी का है व्रत एकादशी का। तुम्हारा व्रत नहीं है? तो मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी क्या खाओगी तुम आज स्पेशल, तुम्हें कुछ खिलाते हैं। मैंने मम्मी को मंदिर से बुलाया, जल्दी के जल्दी आओ कुछ खाने पीने के लिए, लेके आते हैं तुम्हारे लिए। निर्जला व्रत में खाते वाते नहीं है कुछ भी? कितने बजे तक? कल सुबह तक है तो फिर तो खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया फिर। तो चलो कल लेके आएंगे फिर मम्मी के लिए कुछ है, तो अभी मैं निकलता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। 11 जून 2022 अभी सुबह का 9 बज रहा है और ये बातें तो हम मम्मी से कर रहे थे केवल भ्रमित करने के लिए, मम्मी को थोड़ा उनको दिमाग उनका डाइवर्ट कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमारा मकान बनने वाला था, मैंने मम्मी से ये बोला था कि मम्मी तुम्हारे लिए कुछ ला करके दूं, तो मम्मी ने कभी कुछ लिया नहीं मुझसे। मम्मी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी ने उससे ये बोला था कि जब तुम्हारा मकान बन जाएगा तो मेरे कानों के लिए टॉप्स ला देना। और मम्मी को टॉप्स का बहुत शौक है बहुत पहले से। पहले मम्मी के पास टॉप्स थे तो उन्होंने वो टॉप्स हटा करके कुंडल ले लिए थे। लोगों ने प्लानिंग की, मैंने और साक्षी ने, कि हम उनके लिए टॉप्स लेकर के आएंगे। लेकिन इस महीने बजट हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो हमने मम्मी से बोला कि मम्मी हम बाद में लेकर के आएंगे, अभी हमारा बजट नहीं है। और तो मम्मी को हमने कंफ्यूज कर दिया कि मम्मी को लगा कि शायद ये लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन हमने जो है चुपके से टॉप्स वगैरह ले लिए मम्मी के। और अब उनका रिएक्शन रिपोर्ट कर, हमने पहले से ही प्लानिंग की थी कि हम टॉप्स तो ले आएंगे लेकिन मम्मी को बताएंगे नहीं। सो अभी मम्मी ऊपर बैठी हैं और हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और जाकर के मम्मी की आंखें बंद करके तब फिर वो हम टॉप्स निकालेंगे, देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा रहता है। कहा कर दी मैया, और शरबत बाद में पिला दी। मम्मी शरबत बना रही है लड़कियों के लिए क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, तो इसलिए कन्याओं को शरबत पिलाएंगे मम्मी। आओ अब तुम बैठो यहाँ, आंख बंद करो मम्मी अपनी, आंख बंद करो। हाँ अब वो बैठो, अब चश्मा लगा लूं, चश्मा लगा कौन सा आंख बंद। अरे ऐसी बंद कर लो, ऐसी बंद करो। देखिए साक्षी मम्मी आंख कैसे बंद कर रही, मम्मी करिए बंद आगे देखिए। मम्मी आंखें हाँ बंद कर ली मम्मी ने, अब मम्मी की साड़ी निकालेंगे, मम्मी को साड़ी पहनाएंगे, देखते हैं मम्मी की साड़ी कैसी लगती है मम्मी के ऊपर। क्या आंखें बंद करो, आंख तो बंद करो, साड़ी खोल लें दो पहले। बंद रखो, तुम भी यार पूरा पोपट हो। अब तो मम्मी का सरप्राइज तुमने खत्म ही कर दिया। ये साड़ी वैसे हरी हरी अच्छी लग रही ना? हाँ, अच्छी लग रही है। ये देखो मम्मी तुम्हारी साड़ी, रुक जाओ अभी बंद कर रखो आके। अब रुक, अब खोल लो साड़ी आपकी। सही लग रहे हैं? तो झूठ बोल लेती। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया, सुंदर लग रहे हैं। सुंदर लग रहे हैं। हाँ मुझे पता था मम्मी रोए पड़ेंगी। बोलना नहीं जा रहा मम्मी से। अच्छे हैं, सुंदर लग रहे मम्मी। अच्छा है, अच्छा लग रहा है वैसे, बड़े 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 सुंदर है। तो मैंने करी थी बनू हमने सोचा मम्मी तो रो गई। मुझे पता था मम्मी रोएंगी। मम्मी पहन कर दिखाओ एक बार इन्हें, साथ ही पहनाना मम्मी को जरा।
मम्मी को बहुत दिनों से मन था कि मम्मी टॉप्स पहने। बहुत दिनों से टॉप था। खोलो। लाओ खोलो। घुमा के तो खुलेगा ये। हाँ। टाइट हो रखा ना? वो बंद करके दिया ना? मजबूत तो काफी आ रही। हाँ। ये तो अंदर रहेगा ना? ये नहीं तुम गारंटी से दे। हाँ। कैसे खुलेगा ये? मेरे से तो ताल। हाँ मैं अभी यही तो कहा था मैंने घूमना। मुझे क्या पता है, मैं इसको तोड़ देता, मैं इसको खींच रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसको घुमाना है। और ये अगर टूट ना गया होगा, अगर टूट गया होगा तो मुझे इसको सुनार के पास फिर से लेके जाना पड़ेगा। नहीं टूटा नहीं होगा, मैंने तो खींच दिया इसको बहुत तगड़ा तगड़ा करके। हाँ वही तो घुमाने ही तो था। नहीं भगवान, मैंने इसीलिए तो खुद नहीं खोला कि तुम्हारा तो मुझे डर लग रहा है। ला मुझे ला, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी। निकल आया, निकल आया। वो ये ऊपर वाला फेल हो गया, सही कराना पड़ेगा ये। ना ना वो जब मम्मी अपने ना। तो ये पीछे रखना पड़ेगा, आगे अभी मैं बता। अरे इसका ये उल्टा घूम रहा है। तो तुम उल्टा घुमा रहे थे क्या? मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके ये दूसरी तरफ से टाइट होना चाहिए। लेकिन ये खुला ऐसे है, अब खुल गया घुमा घुमा कर। उल्टा 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 घुमा उल्टा। अरे घुसने दो पहले। ऐसे ऐसे चूड़ियों वाला सही है वैसे, घुमाने वाला गिरेगा नहीं, निकलेगा नहीं आसानी से। अरे वाह, इसका मम्मी का कान नीचे है, मस्त लग रहा है यार। हाँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब शीशे में देखो अपना, शीशा कहीं टूटा नहीं कि मोड़ ना पड़ा तो। तभी तो बड़े बड़े इसलिए तो बनवाए। खुश खुश पहने रहो। अब तुम्हारा अब ना तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट आएगा ना साक्षी के लिए कोई गिफ्ट आएगा, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं दोनों के लिए। अब मैं अपने लिए बाइक लेके आऊंगा, कैमरा लेके आऊंगा। खुशी की बाहर आ जाएगी। हे भगवान, मम्मी तो बड़ी लालची निकली। हाँ मम्मी के लिए, मम्मी की पायले भी, ये मम्मी के लिए पायले, दूसरी भी दिखाओ। अब मम्मी ऐसी ऐसी कर करके एकदम बाल ऐसे कर, देख देख टॉप देखो मम्मी ऐसा। चलो तुम खुश हुई, अच्छा लगा। एक्चुअली ये हमने बहुत पहले से सोचा हुआ था, लेकिन क्या था कि थोड़ा बजट की दिक्कत आती थी क्योंकि अभी अभी मकान कंप्लीट किया है तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट मकान के अंदर हो गया था, तो अभी जो बाकी सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे हो रही हैं। तो काफी दिनों से मैंने सोच रखा था एक बेटे के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उसके माँ बाप खुश रहे, यही तो होता है। तो मम्मी के चेहरे पर मुस्कान अगर आ सकती है किसी चीज से तो वो मैं क्यों नहीं ला करके दूंगा। और बस मुझे यही देखना था कि मम्मी का रिएक्शन कैसा रहता है, क्योंकि मम्मी से मैंने ये बोल दिया था कि अभी बजट नहीं है और अभी मैं नहीं बनवा पाऊंगा, एक आध महीने बाद बनवा पाऊंगा, लेकिन हमने पहले से ही इसको खरीद करके रख लिया था। तो मम्मी के चेहरे पर स्माइल देख के बड़ा अच्छा सा लगा। और यार आप लोगों के लिए भी मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके माँ बाप खुश रहते हैं ना तो आपके घर में मतलब खुशियां ऐसी लहर आती रहेगी, और अगर आपके घर में आपके माँ बाप और बड़े ही खुश नहीं है तो आपके घर में खुशियों की बहार नहीं आएगी कभी भी। सो कोशिश करें कि अपने घर वालों को मतलब जितना हमसे हो सकता है पूरी जी जान से खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि यार देखो इस दुनिया में क्या होता है ना कि जो भगवान का एक स्वरूप होता है वो माँ बाप ही होते हैं, जो हमारे सामने होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। भगवान को तो नहीं देख सकते लेकिन माँ बाप को ही भगवान माना गया है। सो उनको अगर हम खुश रखेंगे तो हमारे जीवन में भी खुशियां रहेंगी रहेंगी। तो यार कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अगर आपको ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।